एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा, होम्योपैथी फिजिशियन, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ इसबिल ब्रांड का बायोकॉम्बिनेशन 12। बायोकॉम्बिनेशन 12 ये किस बीमारी में उपयोग किया जाता है और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन की कंपोजिशन से बनाकर तैयार किया जाता है, तो ये आज मैं आपको बताऊँगी। यदि आपको मेरी जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बायोकॉम्बिनेशन 12 के बारे में बताते हैं। तो बायोकॉम्बिनेशन 12 हेडेक के बीमारी में बहुत ज़्यादा ही कारगर माना जाता है। यदि आपको किसी तरीके का हेडेक हुआ हो तो उसमें ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं बात करती हूँ इसकी कौन कौन सी कंपोजिशन से मिलकर ही तैयार होता है। तो नंबर फर्स्ट मेडिसिन का कंपोजिशन होता है होम्योपैथिक में फेरम फॉस, नंबर सेकंड नेट्रम प्योर, और नंबर थर्ड काली फॉस, नंबर फोर मेक फॉस। ये चार मेडिसिन की कंपोजिशन से बनाकर किया जाता है। अब मैं बात करती हूँ इसके हेडेक के बारे में, कैसे कैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और किन कारणों से हमें हेडेक हो सकता है। तो नंबर फर्स्ट मैं बताती हूँ कि हमें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के कारण भी हमें हेडेक हो सकता है, गर्मी के कारण भी हमें हेडेक हो सकता है, या किसी स्ट्रेस या टेंशन की वजह से भी हमें हेडेक हो सकता है, किसी चिंता के कारण हमें हेडेक हो सकता है, या हम रात में सोए ना हो या हमारी प्रॉपर तरीके से नींद ना हुई हो तो उसके कारण भी हमें हेडेक हो सकता है। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमें हेडेक हो सकता है। तो अब मैं बात करती हूँ कि क्या क्या इसमें देखने को मिलता है, कैसे कैसे इसमें सिम्टम्स होते हैं। यदि आपको सर्दी के कारण बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा हो, पूरे सर में बेचैनी हो रही हो, या आपको भयंकर गर्मी के कारण आपको हेडेक हो रहा हो, या आपको ऐसी कंडीशन बनी हो कि जो आप मौसम जाते हो, जो आपने खाया है वो वैसे ही पास आउट हो रहा है, यानी कि उसका कोई डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसका बेस प्रोडक्ट नहीं निकल रहा हो, जैसे हमने खाया जो का तो वैसे ही निकल रहा हो, ऐसी भी कंडीशन हो और ऐसी कंडीशन बनी हुई हो पेशेंट को, अगर उसको खुली हवा में वो जा रहा है तो उसको आराम मिल रहा हो, और अगर बंद कमरे में अगर वो जा रहा है तो उसको बेचैनी, घबराहट और सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो ये सारे कंडीशन में आप इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, और अगर बच्चे को ऐसी कंडीशन हो तो उनको 2 टैबलेट्स दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, अपने सिम्टम्स के अनुसार ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाती है, और आपको लॉन्ग टाइम से अगर हेडेक की कंडीशन बनी हुई है तो आपको इसको लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा, यानी कि 15 डे 1 मंथ तक इसको लेना होगा। यदि आपको एक्यूट डिजीज़ बनी हुई हो, अचानक से दर्द हुआ, तो दिन में 4-5 बार लेने से आराम मिल जाता है। तो ये मेरी यहाँ तक की वीडियो थी SBL ब्रांड का बायोकॉम्बिनेशन 12 के बारे में जानकारी दी है। थैंक यू सो मच।